के इसे खोलिया एक बार असर करता है। इसके अपास जो एक बार असर करता है फिर लहू बन के वो नस्लों में सफर करता है। वाह वाह। मैं तो बच्चों को सुनाता हूँ मुसीबत अपनी, न जाने कौन अपास को खबर करता है। जियो चुल्लों में पानी के लिए प्यास खड़ा है, शब्बीर का मंजूर नजर था। काले लिबास में ये अलम नहीं है लगाओ, महदी के दरबार में अब्बास के साथ। अच्छा जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से दरूद पढ़े मिलके बुलंद आवाज से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दुआ है परवरदिगार आलम बानिया ने मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए, इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अजादारों की हिफाजत फरमाए, माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। मालिक बानिया ने मजलिस को और इज्जतें अता फरमाए। बादशाह अली असगर का सदका मालिक गुलाम मुस्तफ़ा को औलाद नरीना अता फरमाए। यासिर अब्बास मोहसिन शाह हुसैन शाह के लिए औलाद की दुआ है, मालिक उनकी झोलियाँ अब्बास फरमाए। ताहिर अब्बास के बेटे के लिए दुआ कीजिए, रोज़ाना दुआ करवाई जाए, दोबारा न कहना पड़े, मेहरबानी होगी, मालिक आपकी दुआ कबूल फरमाए। सैयद अदील हुसैन शाह बीमार हैं, मालिक शिफाए कुली अता फरमाए। क्या नाम है आपके बेटे का? मोहम्मद अब्दुल्ला बीमार है, जिक्र मौला का सदका मालिक शिफाए कुली अता फरमाए। लियाकत अली खान को मालिक औलाद नरीना अता फरमाए। मेरे अल्लाह मेरे वतन की एक दोस्त है मोहसिन, उसकी वालिदा की मगफरत के लिए दुआ है, परवरदिगार उनके दरजात बुलंद फरमाए। वो सारे अहबाब नाम बनाम जो जिक्र मजलूम की जीनत बनते हैं रोज़ाना, मालिक उन्हें इज्जतें अता फरमाए। अली रज़ा शेखपुरे से अहल सुन्नत मातमी हैं, मौला उन्हें अपना घर दे तो सरकार का आलम लगाएं इंशाल्लाह। गजनफर अब्बास शर्कपुर से मालिक औलाद अता फरमाए। जंग के वो सारे अहबाब जिनकी दुआएं नाम बनाम मेरे ज़िम्मे रहती हैं, शहजादी सबकी दुआएँ कबूल फरमाए। वाजिद शाह साहब से लेके इस अजीज़ तक जो भी दुआ बेटा आपके दिल में है, मुअज़्ज़म अली ख़ान साहब के लिए जो दुआ है मालिक कबूल फरमाए। मुर्शिद सज्जाद शाह जी से लेकर अदनान शाह जी तक आखिरी मातमी तक कायनात की मालकिन सब की दुआएं कबूल फरमाए। आप सब इस अम्र पे गवाह हैं कि मैं यकम मुहर्रम से आज 6 मुहर्रम तक मुसलसल शुक्रिया अदा करता आ रहा हूँ जंग शहर की अमन कमेटी का, DCO साहब का, इंतज़ामिया का, मकामी SHO साहब का और उन सारे अहबाब का जो शिया सुन्नी अकाबरीन में से इस कोशिश में मुसलसल मसरूफ रहे कि जंग में हुसैनियत होनी चाहिए, जंग में जिक्र हुसैन होना चाहिए, जंग में शिया सुन्नी भाई। बेटा मैंने आपकी दुआ मांगी है, जंग में शिया सुन्नी भाई अपने मुश्तरका, चलो सफ़ीर कोई बात नहीं, शिया सुन्नी भाई अपने मुश्तरका मोहसिन की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करने में मसरूफ़ हैं। 6 दिन से मैं अपनी ज़ुबान से आपको ये इजहार करता रहूं कि इसमें मेरे अहले सुन्नत बुज़ुर्गों का, भाइयों का बड़ा अमल दखल है। आज उसका अमली सबूत बरसर मिंबर मौजूद है। ये सारे के सारे वो काबिल एहतराम बुज़ुर्ग, वो इज़्ज़तदार चेहरे हैं जिनकी कोशिश से, जिनकी स्ट्रगल से मैं आपको सलाम करने आ सका हूँ। मैं बरसर मिंबर इन सब का शुक्रगुजार हूँ, खालिक ने इज़्ज़त अता फरमाए। आली मर्तबत बुजुर्गवारम हाजी दिलदार साहब, आली मर्तबत इज़्ज़त मुआब हाजी ज़फ़र इकबाल साहब, वाजिबुल क़द्र मोहतरम शेख खुर्रम शहजाद साहब, इज़्ज़त मुआब बिरादरम चौधरी हाजी मोहम्मद ताहिर साहब, हर दिल अज़ीज़ शख्सियत जनाब ज़ाहिद परवेज़ लाला साहब और मेरा लाला यानी राणा मुस्तफ़ा साहब। मालिक सबको इज्जतें अता फरमाए, मालिक सबकी नौकरियां कबूल फरमाए। मैं इन सारे
बुज़ुर्गों को, ये सारी अमन कमेटी है जंग की, मैं इन सब को खुश आमदीद कहता हूँ। मौला इन्हें इज़्ज़तें दे और तवक्को करता हूँ कि ये सिर्फ यहाँ ही नहीं ज़िक्र मज़लूम से वाबस्ता हर महफिल में जाया करेंगे, ज़िक्र मज़लूम से वाबस्ता हर मजलिस में जाया करेंगे। और जैसे वह सजाद शाही तस्दीक करेंगे, आदत है मेरी कंदील, मुझे ऐसे शेर कहने की ज़रा आदत पड़ गई है। चार में से मैंने इनके लिए भी कह दिए, तूने सिखा दिया हमें शब्बीर का प्यार, ख़त्म रसूल की लाडली बेटी तुझे सलाम, शौकत को मिल गया यहाँ मौका खिताब का, जंग की अजीम अमन कमेटी तुझे सलाम। मालिक आपको इज्जत, मालिक आपको इज्जत, मालिक आपको इज्जत दे, मुझे जी वो जी बादशाह, जी 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 बादशाह। आमिर भाईजान सारे 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 हाय दरी, आप सब लोग ये जानते हैं कि आज का मौजू सुखन क्या है, लेकिन मैं अपने वक्त से 5-7 मिनट आज ज़्यादा पढ़ जाऊँ तो कोई बुराई तो नहीं। हाँ, आप जिए चार मिसरे में, बिस्मिल्लाह, भाईजान सलामत रहे। चार मिसरे में अमन और सलामती के हवाले से बुज़ुर्गों की बारगाह में पेश करना चाह रहा हूँ, और फिर उसके बाद बाज़ाब्ता आज की गुफ्तगू करेंगे। तू अगर मदह मोहम्मद का इरादा कर ले, नौकरियाँ कबूल हो, सारे इंतजाम मैंने पता लगा वाज शाह मैंने दस पे बहुत काबिश है, थोड़ी बुजुर्गों ने बड़िया मेहरबानियाँ की ने मौला तुम इस तरह देन। तू अगर मदह मोहम्मद का इरादा कर ले, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम दे, बाबा सलाम ही मेरा, सलाम ही मेरा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, शाबाश बेटा। तू अगर मदह मोहम्मद का इरादा कर ले, तू अगर मदह मोहम्मद का, मौला घरों शिफा देने, मौला जिंदगियां देने, तू अगर मदह मोहम्मद का इरादा कर ले, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, मैं अली मर्तबा इज़्ज़त मुआब शायर मशरिक शायर पाकिस्तान सरकार अल्लामा इकबाल के मिसरे पे गिरा बांध रहा हूँ। तू अगर मदह मोहम्मद का इरादा कर ले, ये जहाँ चीज़ है क्या लोह कलम तेरे हैं, हुक्म सरकार दो आलम से मोहम्मद है हुसैन की, मोहम्मद से वफा तू ने तो हाथ उठे, हाथ उठे, हैदर लाला जी को, हाजी साहब, हैदरी जी भाई मुस्तफा काजीस्तान देवी लाला जी, जी बेटा जी, फिर पढ़ देते मुझे 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 देख। तू अगर मदह मोहम्मद का इरादा कर ले, तू अगर मदह मोहम्मद का इरादा कर ले, ये जहां मर्जी है तेरी, ये जहां चीज है क्या लौह कलम थे, तू अगर मदह मोहम्मद का इरादा कर ले, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं, और हुक्म सरकार दो आलम से मोहम्मद है हुसैन। हुसैन उमिनी का तर्जुमा कर रहा हूं मैं, हुक्म सरकार दो आलम से मोहम्मद है हुसैन। नबी ने यही फरमाया ना, हुसैन मुझसे है, हुसैन उमिनी आना मिनल हुसैन, फरमाया हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अब मुझ जैसा अनपढ़ आदमी अरबी ग्रामर की नफासतों को बाबा दीशा क्या समझता है, मैं तो इसको यही समझाऊं, मोहम्मद कह रहे थे कभी मैं हुसैन हूं कभी हुसैन मैं, शाबाश शाबाश, बहरा ले
और पुत्रों ने खले हो गाजी इस्ताने ने शाबाश ओ आखिरी मात भी बोले हाय दरी सारे सारे हाय दरी मैं यही समझाऊं नबी फरमा रहे थे कभी मैं हुसैन हूँ कभी हुसैन मैं हूँ जो मोहम्मद है वही हुसैन है जो हुसैन है वही मोहम्मद है कभी मोहम्मद से हुसैन खान साहब आप बुजुर्ग हैं इन सब में से मैं इन सब बुजुर्गों की भी नज़र कर रहा हूँ ये जुमला आपकी भी नज़र कर रहा हूँ जब मेरे सादिक मासूम से पूछा गया कि यबन रसूलुल्लाह ये बड़ा अजीब नहीं लगा कि आपके नाना ने फरमाया हुसैन मुझसे मैं हुसैन से हुसैन मोहम्मद से ये तो समझ आता है बेटा बाप से होता है मोहम्मद हुसैन से कैसे हो सकते हैं फरमाया जैसे शजर से समर होता है फिर उसी समर से शजर सदके और झंगा ले हो और शिया सुनी बसते रहो और जीवा सीन सीन को सलाम है मेरा जिया झंग जीवा से जाता हाथ उच्चे हाय दरी भाई आजम लाला जी जीवो ये हाथ उच्चे रह में पीर उसका शा शुक्रिया जैसे मेहरबानी दुआ दा शुक्रिया जैसे शजर से समर होता है फिर समर से शजर होता है हदीस के दो पीस हैं बेटा आप बोलो तो आपका शुक्रिया पढ़ मैं अपने इन बुजुर्गों के लिए रहा हूँ आप बोलते आओ तो आपका बहुत शुक्रिया बाजी शाह जी बाबा जी बुला रहे हदीस के दो हिस्से हैं दो टुकड़े हैं दो पीस हैं हदीस के पहला टुकड़ा है हुसैन मिन्नी हुसैन मुझसे है दूसरा टुकड़ा है आना मिनल हुसैन मैं हुसैन से अब देखना यह है कि कितना अरसा हुसैन मोहम्मद से है शाबाश खैर हो गए अल्लाह जियो आप जियो आप दो टुकड़े हैं ना हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ देखना यह है कितना अरसा हुसैन मोहम्मद से और कितना अरसा मोहम्मद हुसैन से तीन शाबान चार हिजरी सुल्तान मुमकिनात ने हुसैन को हाथों पे उठा के मस्जिद में ऐलान फरमाया हुसैन और मिन्नी मिन्नियत का सफर शुरू हो गया शानों पे बिठाया कहा हुसैन और मिन्नी सजदे में आया का हुसैन मिन्नी सीने से लगाया का हुसैन मिन्नी लुआब पिलाया का लुआब पिलाया का हुसैन मिन्नी जमाना नहीं जानता बादशाह तो मैं क्या करूं यार अजराम पीर अगर किसी को नहीं पता मोहम्मद का लुआब क्या है तो इसमें मेरा क्या कसूर है रसूल हुसैन को उठा लेते उठा के झोली में बिठा लेते झोली में बिठा के हुसैन के मुंह में अपना मुंह डालते हुसैन को अपना लुआब पिलाते एक दिन नहीं दो दिन नहीं एक महीना नहीं दो महीना नहीं मोहम्मद दो साल हुसैन को लुआब पिलाते रहे तुझे क्या पता मोहम्मद का लुआब क्या है कुरान नाजिल होता था मोहम्मद के दिल में फिर यहाँ से सफर करना शुरू करता था कुरान नाजिल होता था मोहम्मद के दिल में कुरान कुरान के दिल पे उतरता था नहीं समझ आ रही मुझे नहीं समझ आ रही वो बाहर वाले बोल रहे
कुरान नाजिल होता था कुरान के हैदरी, कुरान नाजिल होता था कुरान के दिल में, मोहम्मद के एक दिल में दो कुरान इकट्ठे हो गए, एक बोलने वाला एक न बोल। मैं हाजी साहब से गुजारिश करूंगा उनके प्लेटफॉर्म पे, उनके यहाँ किसी महफिल में ईद मिलादुन्नबी का कोई जलसा हो तो मुझ गरीब को भी खिताब का मौका दिया जाए ताकि मैं भी वहाँ जाके कुछ अपनी औकात के मुताबिक सीरतुन्नबी पढ़ सकूं। कुरान नाजिल होता है मोहम्मद के दिल पे, एक है बोलने वाला एक है न बोलने वाला। कुरान कुरान के बदन में सफर शुरू करता है, यहाँ से चलता 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 यहाँ आता है। जब कुरान मोहम्मद के दहन में आता है, नबी अपने मुँह में मौजूद पानी को कुरान की आयतों से मिक्स करते हैं। जब कुरान की आयतें मोहम्मद के लुआब से मिक्स हो जाती हैं तब मोहम्मद हुसैन को उठाता है, फिर कुरान कुरान के मुंह पे मुंह रख के कुरान को कुरान पिला ले। आलम बिलाल जी को जिंदगी हुई चार मिसरे मुझे और पढ़ने दे लाला जी, चार मिसरे मैनू और पढ़ने दियो, फिर हाजी साहब लै जाया जे। मैं हाजी साहब नू सुनाने वास्ते एड्डी सारी मेहनत की है, मैं नाराज नहीं होना, मैं पता तुम चाह पीनी है, मैंने इस गल का पता है, अरेंज भी नहीं होना है, हाथ बने ने मैं भी मुहर्रम तो बाद तुहाडे कोल आऊंगा रोटी खाने वास्ते। हाँ बिल्कुल मोस्ट वेलकम, नहीं मैं आ जाना जे, मैं शौकत हाँ। तो मैं मिसरे चार हाजी साहब को सुनाने ने, फिर उसके बाद तुसा जाने। हाजी दिलदार साहब को चार मिसरे सुनाने ने, फिर बुजुर्गों ने मैं चार मिसरे सरैकी दे आखे ने कि यार मैं सऊदी अरब रहा उत्थे बंदे मेरे नाल सरैकी बोलते सन, इन जी तुसा फरमाया चार मिसरे मैंने दी फरमाइश ते ओह पढ़ने ने, उसके बाद तुसी जा सकते हो। वो हिजाब हक में चला गया, वो हिजाब हक में चला गया, बलागल बोला बे कमाल है। ओ केड़ा यार लाला हाजी साहब ने साडे कोल केड़ा रोल आना यार, मेरे एडा इज्जतदार मेहमान ने ना केड़ा रोल आना। चार मिनट और, वो हिजाब हक में चला गया, वो हिजाब हक में चला गया, बलगल उला बे कमाल ही, वो हिजाब हक में दे काने ना बोलियो, वो हिजाब हक में चला गया, बलगल उला बे कमाल ही, ये जो दो जहान में नूर है कशफत तुजा बे जमाल ही। वो हिजाब हक में चला गया, वो हिजाब हक में चला गया, शाबाश और बाहर वालों, वो हिजाब हक में चला गया, बलागल उला बे कमाल ही, ये जो दो जहान में नूर है कशफत तुजा बे जमाल ही, ये जो किबरिया का कलाम है हसोना जमीयो खिसाल ही, ये किसा तले हैं जो पांच तन सलमान वाले। सारा शुक्रिया।
बड़ी मेहरबानी मौला इस अल्लाह ताला आप पे बहुत बहुत मेहरबानी जेडे मेहनत दिते जो उन्होंने लहदा मेहरबानी कदे भी ना छाई मैं नौकर हाँ बाबा तेरा कुरान की कसम है मिंबर ते खलोता पूरी दुनिया पर सुनती है मैं तेरा नौकर साडी मजाल करो बिस्मिल्लाह मैं कदर हो गया मेरा 2000 वेख के खलो दे ਕਾਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਉੱਠ ਤੋਂ ਪੈਣਾ ਅਜੇ ਬਾਬਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਮੁੜ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਜਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਦਾ ਦਿਓ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਪੜਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਕਰਾਂ 18-19 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੋਲਿਆ ਤੂੰ ਪੀਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਨਹੀਂ मेहरबानी करना बिस्मिल्ला तू भी बिस्मिल्ला करना कशंदे करना अपना आज नहीं जाया सवाल सवाल तो दल बड़े कर बड़े कर रख ले भी चुप जा अच्छा भी ठीक मैं आके उस तो सवाल के मेहरबानी करो मेरा बेटा मेरी बेटी है मेहरबानी फरमाओ वो जो दूर तक मेरी बेटियां बैठी हैं इज्जतदार घरों की बेटी है इज्जत सलामत रहे मेरा बेटा बीबी आपको इज्जत दे कायनात की मालकिन आपको इज्जत दे सलाम है आपको सलाम है आपको बादशाह इज्जत दे कितनी बारी आंख में पड़ता रहा हूँ ओ जो उस करते बच्चे खले हो तो चु किसी को नहीं बल आता वो आंदा कोई ना मैं किसी ने बल नहीं आता उस कोई ना लंगर ले तो तू चंगा भला तेन वाल आता बाहर भी कोई खड़ा है बच्चा चलो मैं इतनी देर में साथ साथ ये मिस्रे मुर्शदों का हुक्म है फिर पढ़ देता हूँ वो हिजाब हक में चला गया वो हिजाब हक में चला गया बलगल गुलाब कमाल ही ये जो दो जहान में नूर है कशफत तुजा बे जमाल ही ये जो किबरिया का कलाम है हसनत जमीयो खिसाल ही ये किसा तले हैं जो पंज तन ये किसा तले हैं जो पंज तन सल्लू वाले है रख लो बाबा जी हजारों तो जाना करना पंजा लाई तक रख ली दरूद पढ़ो मिलके बलंदा शुरू कर दू नौकरी उतरे कुछ इस तरह से ये मैदाने जंग में मेरा मजा ना खराब करे अजय 5 दिन 6 दिन तुस आप ही कर्म किया मेरी केड़ी औकात है तुस आप मेहरबानी की एडा एडा बोले हो तो मेहरबानी करिया औखा मौजू है मौला दी कसम खुशामद नहीं भाई मुस्तफा तेरा बड़ा शुक्रिया इमाम जमानत इन हो रिश्ता दे इड़े आबाब नू लै के आया ना जरा साडा मान बच गया जरा साडा मोराल बच गया मौला तुहानू हो रिश्ता दे उतरे कुछ इस तरह से ही है मैदान जंग में बेटा मेरे हल वेख मेरे हल इन्हें एक बार झोली बंद कर लें मैं इस बात कर ली उन्होंने ये पिछों रला लो एक ही जगह से इकट्ठे कर लो गिड़ी मेरे बात जान दे उतरे कुछ इस तरह से ये मैदान जंग में खुद मौत इनको देख के बोले नहीं नहीं आप जिए ये नमाजी जिए सलामत रहे मैं सलाम करा जी हजार बारी शुक्रिया उतरे कुछ इस तरह से ये मैदान जंग में बाबा जी आओ तो सामने तो मैं मिसरा पढ़ना उतरे कुछ इस तरह से ये
मैदान जंग में खुद मौत इनको देख के। वाह वाह कमाल हो गया। की पढ़ना जी? अच्छा जी हाजिर, बड़ी मेहरबानी। ये जरा मैं रुक गया ना, इंज दुबई च अफसारी होंगी है, अफसारी वाला डरा ही होंगे। हाँ उतरे कुछ इस तरह से ये, मैं दा आश्रे में पढ़ें दुबई दा आश्रे। उतरे कुछ इस तरह से ये मैदान जंग में, उतरे कुछ इस तरह से ये मैदान जंग में खुद मौत इनको देख के। मैंने तुम्हें कहा था बाद में आया करो तो पीछे कर जाया करो। खुद मौत इनको देख के बोले नहीं नहीं, इस घर में जीतने का है अंदाज ही यही, असगर गली गली में है और मिल कहीं। हसनैन भाई जीवो जीवो जीवो, असगर के सारे मुल्क चलो हैदरी। इस घर में इसको मेरी तरफ कर, ठीक होके बैठ। हाँ बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी ऐसी होनी चाहिए जैसे बादशाहों के दरबार में बैठते हैं। ये ग्राउंड नहीं है, इस बेतवज्जी से अंदर कभी महीने से उस घर में नहीं बैठना। ये खेलने की जगह नहीं है, ये सीखने की जगह है। मैं टीच कर रहा हूँ, मैं किताबें पढ़ पढ़ के बूढ़ा हो गया हूँ। मैं महीने से पढ़ने नहीं आता, मैं तुम्हें पढ़ाने आता हूँ। बेटा कम से कम 21 लाख रुपए की किताबें मैंने इस मैदे में उतारी हुई हैं। इन आंखों से पढ़ पढ़ के चश्मा लग गया मुझे। मैं जिस मौजू पे फजाइल पढ़ रहा हूँ इस मौजू पे लोग मसाइल पढ़ा करते हैं। तू आ मेरे मेयार पे सुन तो सही, तुझे अंदाजा हो कि पढ़ा कैसे जाता है, सुना कैसे जाता है। अल्लाह अकबर, धड़का मेरे हंसने का कबीलों पे रहेगा, धड़का मेरे हंसने का। असगर की आवाज फजा में गूंज रही है, असगर फरमाता है धड़का मेरे हंसने का कबीलों पे रहेगा, शोहरा मेरा बारोक फसीलों पे रहेगा, जीतेगी मेरी तश्ना लबी आपसे ऐसे, ताहश्र मेरा नाम सबीलों पे रहेगा। सुभान अल्लाह। और आगे चले, अगर आज तू बोल ना मैं कते पे कता पढ़ते ही चला जाऊं। मेरा दिल कर रहा है जल्दी तो नहीं ना, चटाने चीर कर मैदान में हैदर ना आ जाए। चटाने चीर कर मैदान में हैदर ना आ जाए, जो हंसकर मार देता है वही पैकर ना आ जाए। सुना है नस्ल हुरमिल की किसी रन में नहीं जाती, उन्हें डर है कहीं फिर से अली असगर। सारे 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 हैदरी, राजस्थान ने बारह लिया असगर का सदका जी हो पुत्रां दे शहरों में हो यार। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, करम दी गल है बाबा, करम दी गल है। तुहाडे ते इतना करम होना है तुस उतना डुब के सुनदे हो। सुना है नस्ल हुरमिल की किसी रन में नहीं जाती, उन्हें डर है कहीं फिर से। बेटे की कैफियत की इतला मिली हुसैन को, यानी आप अंदाजा करें कि असगर हल में नासिर की सदा सुन के झूले से चल के खैमे के दर तक आ गए। मैं जिम्मेदारी कबूल करूंगा, मैं को ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं लेकिन मैं जाहिल भी नहीं हूं। मैं मिंबर पे अपने लफ्जों की जिम्मेदारी कबूल करूंगा। असगर झूले से अपने आप को गिरा के, मैं मसाइब नहीं पढ़ रहा, मैं किसी रोने वाले को मना भी नहीं कर रहा, आपकी अपनी मर्जी है। मुझे 5-7 कते और पढ़ने वाली असगर,
असगर अपने आप को खैमे के दर पे ले आए। बादशाह हुसैन को इतला मिल गई कि वक्त का अली वक्त के मोहम्मद की मदद के लिए तैयार है। तो नासिर का मांगी नहीं बोला यार, तुझे नासिर का तर्जमा नहीं आता यार। वक्त का अली प्रोफेसर, वक्त का अली वक्त के मोहम्मद की मदद के लिए कमर बस्ता है, तैयार है। हुसैन खेमे में आ गए, बेटे को उठा लिया। फरमाया असगर इतनी बेचैनी। असगर ने कहा बाबा मुझे जल्दी जल्दी मैदान ले चलें। फरमाया क्यों? असगर ने कहा मेरा दिल बन गया मजलूमियत को आज मैं इतना वकार दूं सारी यजीदियत को गले में उठा। कादी जीवो, मुझे जीवो, मेरे पुत्रों ने सारा बालों में। हाय हाय हाय, असगर ने कहा बाबा मेरा दिल बन गया मजलूमियत को आज मैं इतना वकार दूं, मजलूमियत को आज मैं इतना वकार दूं सारी यजीदियत को गले में उतार दूं, सारी यजीदियत को गले में उतार दूं। बाबा बस एक दफा मुझे मैदान ले चले, अकबर के कातलों को मैं हंस हंस के मार दूं। शाबाश 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 बाबा बस एक दफा मुझे मैदान ले चले। अच्छा, बाबा बस एक दफा मुझे मैदान ले चले, अकबर के कातलों को मैं हंस हंस के मार दूं। 11:15 हुआ चाहते हैं, मैं 5-6 मिनट और फजाइल पढ़ लूं, गुंजाइश है? जो लोग खुद को ढेर समझते थे दश्त में, ढेर का क्या मन होता है? शाबाश, हजारों दिन जियो। जो लोग खुद को ढेर समझते थे दश्त में, असगर ने मुस्कुरा के उन्हें ढेर कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, अल्लाह आपको इज्जत दे। ये पढ़े लिखे चेहरे सलामत रहे, अल्लाह करे ये मेयार कायम रहे गुफ्तगू सुनने का। हाय दरी, जो लोग खुद को ढेर समझते थे दस्त में, जो लोग खुद को ढेर समझते थे दस्त में, मैं जेर जबर दे नाल ना लफ्ज जमानी बदलूंगा ते झोली चे खलोता गाजी दा वास्ते ने मैंने लुका ना करे है, मैंने कल्या ना करे है, जितना समझ आवे उतना बोलना है। जो लोग खुद को ढेर समझते थे दस्त में, असगर ने मुस्कुरा के उन्हें ढेर कर दिया। और कर दी है हद की है परवरिश के हुनर की रबाब ने, शीरी दहन को शीर से ही शेर कर। ए लखनवी पाकिस्तान दा, ए लखनवी पाकिस्तान दा, हर शीर और शेर पे बोलने वाला हाथ ऊंचे हैदरी। अल्लाह अकबर, सारे जा मोरख के सर पे हैदरी। कुरान दा कोई शिया कोई सुन्नी राइटर ऐसा नहीं है जिसने ये लिखा ना हो कि हुसैन बेटे को हाथों पे उठा के ले आए और 10 लाख ने कहना शुरू कर दिया हुसैन कुरान लाया, हुसैन कुरान लाया, हुसैन कुरान लाया। असगर को यूं भी लाया जा सकता था, हुसैन ने यूं उठाया हुआ। तू बात ही नहीं समझा, वक्त के मोहम्मद ने वक्त के अली को उठा के करबला में आने वाले बूढ़ों को गदीर याद कराई। चलो झांगा ले आ जाए, तुझे ना सुन दे ओखी गल तो मैं दसो मैं जावा कि ਪਰਸ਼ਦ ਮਾਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂ। ਵਕਤ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਵਕਤ ਕੇ ਅਲੀ ਕੋ ਉਠਾ ਕੇ ਕਰਬਲਾ ਮੇ ਆਏ ਹੋਏ ਬੂਢ਼ੋ ਕੋ ਗਦੀਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੀ। ਹਰ ਤਰਫ ਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਥੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬਛੜਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸਤਨੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਾਵ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੀ, ਹਰ ਤਰਫ ਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਥੀ ਹੁਸੈਨ ਕੁਰਾਨ ਲਾਇਆ, ਕੁਰਾਨ ਲਾਇਆ, ਕੁਰਾਨ ਲਾਇਆ। ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਗੱਲ, ਬੇਸ਼ੀਰ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਕੋ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਇਹ ਬਾਤ, लाख को समझाई है ये बात। खुद अपने ही मनसब का जनाजा नहीं करते,
छह माह के बच्चे जहां कुरान लगे हैं उस घर से तो भाई अतकता कर रहा। कुरान से वैध मानते हो? कुरान से वैध मानते हो? छह माह के बच्चे जहां कुरान लगे हैं मेहरबानी उस घर से तो बायत का तकादा नहीं करते। बिल्कुल मैं जानता हूँ टाइम थोड़ा रह गया पर मैं माफी चाहता हूँ, ये पांच शेर छह शेर पढ़े बगैर ना मेरे अंदर के शौकत रजा को नींद नहीं आनी, सॉरी मुझे सुकून नहीं आना। बादशाह जी ये हाथ बदी खला मैं पांच मिनट फजायल हो सुनना। फिल फौर न खुद को झूले से करार गिराता क्या करता, क्या करता रदीफ है रदीफ है क्या करता। फिल फौर न खुद को झूले से बेशीर गिराता क्या करता, आवाज थी आखिर हुज्जत की करार ना आता क्या। आओ जीवो ओ पीरा जीवो। हाँ भाई मुस्तफा क्या करता दीदार तो बहुत शुक्रिया यार। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। फिल फौर न खुद को झूले से बेशीर गिराता क्या करता, आवाज थी आखिर हुज्जत की। और पंजी पंजी त्री त्री साल तुसा मैंने सुनी बैठे हो मैंने क्या करता दी कीमत दियो। पंजी त्री साल तुसा लोग कम से कम मेरे नाल रहे हो मैंने सुन बैठे हो क्या करता, आवाज थी आखिर हुज्जत की बेशीर ना आता क्या करता। पहलवान मैदान में आते हैं फिर जाते हैं फिर आते हैं फिर जाते हैं हमला करते हैं रेस्ट करते हैं फिर आते हैं हमला करते हैं रेस्ट करते हैं पानी पीते हैं फिर आते हैं हमला करते हैं रेस्ट करते हैं खाना खाते हैं फिर आते हैं। शौकत कह रहा है एक बार ही जिसकी आमद से 10 लाख सितमगर हार गए दो चार दफा मैदान में घर वो आता जाता क्या। एक बार ही मेहरबानी एक बार मेहरबानी भाई एक बार ही जिसकी आमद से 10 लाख सितमगर हार गए दो चार दफा मैदान में गए वो आता जाता क्या करता। हुसैन ने बेटे को उठा लिया हुसैन हाथों पे बुलंद करके जा रहे थे सब खुल्द नशीन मकीनों से। मूसा ने आज सवाल किया सब खुल्द नशीन मकीनों से। मूसा ने आज सवाल किया इस हुस्न को तूर पे देखा था ना होश गवा था। सदके 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 इस हुस्न को तूर पे देखा था मैंने तो सब इस हुसन को टूर पे देखा था ना होश गवाता। एक लफ्ज है कमाता अरेबिक में कमाता बदले नुआ दिन माएँ बच्चे को जो छोटा सा कपड़ा बांधती है ना असों झांगले बदले ही आते हैं ना मुल्तान भी बदले ही आते हैं अरबी में उसे कमाता कहते हैं। काफ मीम अलिफ तो है कमाता। असगर खेमे के दर पे आ गए
हुसैन ने असगर की अम्मा से पूछा, ये असगर बाहर तक कैसे आ गया? अल्लाह अकबर, वक्त के अली की माँ ने कहा, सरकार मैं वक्त के हैदर को कब रोक सकूं, क्या रोक सकूं, अंगड़ाई ही करार की थी भरपूर कमाता क्या। भाईजान भाईजान मेहरबानी, भाईजान मेहरबानी जी, वो झंगा ले। अंगड़ाई ही करार की थी भरपूर कमाता, सबसे छोटा था, मुसलमानों ने सबसे ज्यादा मारा। झूला बरामद होना, शिफा लेके जाना, बे औलाद औलाद लेके जाना, मातम इतना करना है, रोना इतना है, उसकी चार साल की बहन तुम्हें दुआ दे। अल्लाह अकबर, कदा ना रोवे, दिया दे परदे होने, बड़े आराम से बड़ी तसल्ली से मैं कम से कम 20 मिनट पढ़ूंगा, इससे ज़्यादा भी पढ़ लूँगा शायद, लेकिन बड़े हौसले से बड़े अरमान से, बेटा बुरने लगे तो ज़रा हाथ खोलो, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, शक्ल गरीबों वाली बना लो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, कभी ना रोना पड़े। इससे पहले कि मैं मजलिस शुरू कर दूँ, मैं लखनऊ की एक मोतबर तरीन शख्सियत, इज़्ज़त मुआब सरकारी अल्लामा मादी लखनवी, आज से 50 साल पहले का खतीब है, उन्होंने लखनऊ में 6 मुहर्रम पढ़ते हुए हुक्म के लहजे में कहा था कि जितनी बेटियां, जितनी माएँ, जितनी बहनें मजलिस हुसैन में आई हुई हैं, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, मेरा ये पैगाम आती नस्लों में बांट देना, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी देर जाकर मसाइब पढ़े, भले बच्चा रोता रहे, कोई माँ बेटे को पानी नहीं पिला। हाल हो गया जिन्हें फजैल चलाने बैठे उन्होंने वास्ते के मसाइब हो गए छापड़ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मेरिया धियां मेरी मिन्नत इन्हें खाली ना जवै, खाली ना जवै, 4 साल दी जख्मी भैन असगर दी थोड़े दरमियान आई बैठी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हौसला बाबा, हौसला बाबा, दुआ करे सो वादा हो गया, जिंदगी ने दुआ थोड़िया हूं तई मेरे नाल, तुस मैं जिंदगी के हर औखे मोड़ से दुआ की थी, पर अज बहु दुआ करे सो वादा हो गया, अपनी मर्जी नाल ही रुना 6 रात, अज मेरी मिन्नत ही, ये मैं जाकिर बन के ना फिराव बन के प्या दा, आओ पिनीए असगर दी मां तू, झोलियां फैलाओ अबरार साहब, पिनीए असगर दी मां तू, जेदी जेदी झोली खाली है, जिस दी बच्ची दी झोली खाली है, जेदी बहन दी झोली खाली है, जेदे ब्याह दी झोली खाली है, असगर दा वास्ता एक बारी झोलियां फैला के इंज रोंदे आउना जो असगर दी अमड़ी खुश हो जाए, तुहाडे गिरिए तो राजी हो जाए, हंजू इतने वसाओ सफीर, हंजू इतने वसाओ ना, हो सकता है 4 साल दी सैयदादी नूं अज पानी लग जाए, विराह वास्ते तड़दी रहिए, विराह वास्ते मिन्नतां करेंदी रहिए, विराह वास्ते एक एक गूहे ते वेंदी रहिए, विराह वास्ते एक एक खैमे ते वेंदी रहिए, विराह वास्ते एक एक रिश्तेदार तो पुछदी रहिए, और किसे कोल पानी होवे ओ मेरा नहीं बचदा, और किस नहीं आता तेरे माता। इो हक ही मातम दा, इो हक ही मातम दा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या सैयदा। अल्लामा माजी लखनवी से मजलिस में उठ के किसी ने सवाल कर दिया, किबला आपने कहा 15 मिनट मसाइब पढ़ूं, 10 मिनट पढ़ूं, कोई माँ बच्चे को पानी न पिलाए। अल्लामा आपने ये क्यों कहा? अल्लामा ने कहा मैंने इसलिए कहा है कि हो सकता है कोई माँ बच्चे को पानी पिलाए और असगर की माँ की नजर पड़ जाए।
असगर की माँ कहे मेरा भी पानी पी ले। चारो उचा हाथ उचे जाओ एक बारी हाथ उचे गरीबा की तरह दो हाथ चाहो ना एक बारी हाय करो जिमें गरीब जनाजा से करें दिन एक बारी इंज रो जिमें गरीब जनाजा से रो दिन भाई अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कदीर कदा ना दुआई तो मंगना दुआई तो मंगना सजाद भी की लाला मसाले चलो ना बैठा में चल अखा की खैर में पूछी कदा ना रो यार असल सारे माधी यार अल्लाह अकबर धीया दे काज होने बड़े आराम नाल बड़ी तसली नाल मैं मसाहब पढ़ना मैं आशिक हाँ इस मसाहब का हाँ बड़ी तसली नाल मैं कम अज कम 15 मिनट होर पढ़ने मैं मुनिया कोई जल्दी ना करे गाजी का वास्ते असगर का झूला बड़ा मन होना है ना अच्छा ठीक है मैंने पढ़न दे वे मगर इसलिए मैं आखा तुम बेशक उत्थे तुर जाओ मैंने कोई इतराज नहीं लगे मैंने पढ़न दे वे कम अज कम 10-12 मिनट तो पहले शबी पाक ना आवे सारिया मस्तूर आउट खलोंदियां बस मैं मसाहब नहीं पढ़ सकता मेरा दिल है अच्छा ये तो मार सटी मुन्ना जा पहले इस घर दे कुर्ते आवे यार जे कुर्ते मंगाने आंदी अज मैनू आखे मैं कोई सैयद लाकर लै आवां ओ यार मैं कमी हां ओ मैं कनीर दा पुत्र हां यार मेरी केड़ी औकात है मैं असगर दी भेड़ दे सीते कुर्ते किवें मंगावा मैं तेन किवें दसा जो सुगरा कुर्ते किवें सी के मैं तेन किवें दसा जो 7 साल दी ज़ईफा भिरा दे कुर्ते मातम मातम जिना नहीं आता उस शर्त ते कर लो या ज़हरा या ज़हरा बस होश लग रहा है बस तो मसाइल ज्यादा पढ़ना पै गया बस मैं 10 मिनट बाद कुर्ते मंगवे सा बस 5-7 मिनट बाद छबी मंगवे सा जल्दी ना करे उठे नहीं मेरी अंधियां असगर की माँ का वास्ते नहीं उठे नहीं मेरा धियां बेटा तू रोया नहीं नाराज ना हुई हाय कर एक बारी हाय कर एक बारी महसूस ना करी ये धियां तेरी ही मेरी ही घर जाके अपनी भेणा तू पुछ ली माधी अजादार घर दियां धियां नहीं बैठियां ते नाल समाज दे बिल्कुल निके निके बच्चे हैं ना किसी का 6 महीने का है किसी का 1 साल का है किसी का 1.5 साल का है वो अज भी टोकरियां नाल लै आई हैं कोई दुध रख के लै आईए कोई पानी रख के लै आईए कोई बिस्कट रख के लै आईए कोई बच्चे की पसंद की टाफी रख के नहीं तेन मातम सिर तले कर रख के लै आईए मावा संभाल संभाल के रख दी मेरे बच्चे टाफियां पसंद है मेरे बच्चे दुध पसंद है मेरे बच्चे फलानी है सारी जिंदगी आधी रे वे मां मर गई वे तेरी थां जदा वेला वे असगर मां वे थी रही ओ तैनू तीर लग गया वे मां माता माता इनू उठा के ले जा अंधीरे नू उठा के ले जा पैर मेरा मसाहब पढ़न ते दिल लै जा पै हालो हालो हाय अली असगर सारे आखो हाय असगर हाय अली असगर सारे आखो नहीं तू गरीब होता सारे आखो हाय अली असगर हाय मासूम हाय बेशीर हाय बेकफान हाय तसा हाय कैदर दा भिरा हाय उजड़ी मां दा बचड़ा हाय जख्मी भेड़ दा भिरा ओ फटे आए कनाली दा भिरा ओ जख्मी मां दा बचड़ा ओ रबाब दा बचड़ा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा हालो दुआई मांग मुस्तफा बिना बड़ा मेरा दुआई मांग दरार पीर मुनिया खाली नहीं हाँ भाई उल्फत अब्बास
मेरा बेटा इन फतवास तो मिलवा लेकिन बाबा जो मरण तो दिले मसाइब ढेर बड़ी अल्लाह हु अकबर अल्लाह हु अकबर बड़े आराम से बड़े आराम नाल बड़ी तसली नाल दादे साहब मेरी मेरी मर्जी है बाहर चला जा जो मैं पढ़ूंगा ना तेरे वास्ते च नहीं होना चलो एक शेर पढ़ता पुत्र मातर न करें पुत्र बिन थके लग दिन थक गया ना 10 मिनट जरूर हो गए 10 मिनट मैंने हो गए तो तू थक गए मेरिया धियां तोड़िया झोलियां वस्ती रावन जिन्हें दिए झोलियां छोटे बच्चे धीए या पुत्र मेरा बेटा तुम समझ आई है तू सारो गया है शायद पुत्र समझ ना आवे ना जाने किस ख्याल में खो जाती है रबाब खाली झुलाने लगती है झोला कभी वेला हो गया है वे फजर दिया बांगा मिल दिया भैया वे मां तू रो सके और किदे बाबे को जाके सो जे तू आने पढ़ो एक कमेंट मैंने देख जे तू आने पढ़ो तो तेरी हिम्मत हो तक पड़साए नहीं तो बस कर दे साए ये अंगूठी है मेरे हाथ में याकूत कहते हैं एक और अंगुश्तरी होती है दुर्रे नजब आपने देखी हुई है दुर्रे नजब सफेद होता है याकूत सुर्ख होता है सरकार फरमाते हैं हुसैन ने असगर को झूले से उठाया शाम की मलका ने पूछा कहाँ ले जा रहे हो हुसैन ने कहा ये दुर्रे नजफ है अभी याकूत बनेगा हूं जिस मातम नहीं किया हो जाने असगर भी मां जाने जे नहीं आता मातम उसे तले करे मेरा हुक्म है जिनू आता मातम हाथ मारे भावे बैर खिलाए भावे अंदर बैठे कोई थी कोई भैरे एक बारी करबला बना दो एक बारी रबाब आई हुई पुरसा दो एक बारी सकीना नु मातम करके राजी करो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर हुसैन ने कहा ये दुर्रे नजफ है ये दुर्रे नजफ है मातम 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 ये दुर्रे नजफ है अभी याकूत बनेगा जिस झूले में झूला है वो ताबूत आए जिस झूले में झूला है सदगे तेरे मातम तो सदगे इस झूले में झूला है एक शेर सलीम और पढ़ लू इजाजत है बानिए मैं इजाजत है एक शेर और पढ़ लू ये सारे के सारे मेरे दोस्त जानते हैं आज से 14 साल पहले बाबा जी इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ था मेरा 19 मुहर्रम को आपको पता है आप मेरा पता करने आए थे लाहौर हॉस्पिटल आए थे आप 24 मुहर्रम तक मेरी आँख ही नहीं खुली 24 मुहर्रम को मैं मंगवाऊंगा जल्दी ना कर मैं अच्छा जल्दी की तुम अच्छा ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ अगर तुम ले ही आए हो मैंने तुमसे कहा तो नहीं था बेटा मैंने तो कहा था चलो ले आओ ले आओ ले आओ हो सकता है जै कुर्ता सीता हो वेदा दे लवे हो सकता है जिस भेड़ कुर्ता सीता है ये मेरी औकात है ये मेरी हैसियत है और मुझे सैयदों ने मजबूर कर दिया छोटा दिया मामा मेरिया धिया असगर की मां का वास्ता मेरे सवाल का जवाब दो तुसा ढह पई हो अल्लाह जाने रबाब किवें वेख्या
पसंद है भैया अल्लाह जी जी मैं बोलिया नहीं अजा मैं बोलिया नहीं अजा मैं अदरान शाह गल करनी है मैं गल करनी है डॉक्टरों ने जवाब दे दिया दुआ मांगो दवा नहीं है बचता नहीं 24 मुहर्रम को उन्होंने कहा बचता नहीं मेरे एक चचा बने हुए हैं सैयदादे हैं रजा पंजतन नाम है उनका डिप्टी चाचा कहते हैं उन्हें कराची में बड़ा इश्क है उन्हें मुझसे उन्हें पता लगा वो 25 मुहर्रम को मेरी आँख खोली उन्होंने मुझे फ़ोन किया शौकत रात अजा खान जहरा 24-25 मुहर्रम की दरमियानी रात सुर्ख आंखों वाले बीमार का जनाजा था सुर्ख आंखों वाले बीमार का जनाजा था उनका मैं बीमार के जनाजे पे गया मैंने जंजीरें पकड़ के टकरे मार मार के तेरी जिंदगी की दुआ मांगी सारी रात मैं रोता रहा सुबह मैं मुसल्ले पे बैठा मेरी आंख लग गई मैंने देखा एक बहुत बड़ा मैदान है जिसमें एक जख्मी सरदार है जिसके इर्द गिर्द फरिश्ते हैं अचानक उन्होंने एक फरिश्ते को बुलाया उससे पूछा शौकत को ले आयो उसने कहा नहीं उन्होंने कहा उसकी ज़िंदगी के दिन दुनिया में ख़त्म हो गए थे उसने कहा जी बिल्कुल उसके दिन तो ख़त्म हो गए थे लेकिन उसने एक शेर कहा है वो असगर की अम्मा को बड़ा पसंद आ गया असगर की माँ ने उसकी ज़िंदगी में इजाफा कर दिया है मैं वो शेर पढ़ूँगा जरा असगर की माँ को पसंद है असगर की माँ आई हुई है जे मातम कर सके तो करे ना कर सके तो तेरा मुकद्दर शायद मैं छोड़ देवा मैं वो शेर पढ़ूँगा जिसकी वजह तो मैं जिंदा हूँ मैं लिखा ही जितना दिया है खून मोहम्मद के दीन को असगर ने माँ का दूध भी उतरे या जहरा झोला जिन्होंने उठाना है तैयारी करो लेकिन जब तक मैं न कहूँ झोला लाना नहीं मैं तुम्हारी मिन्नत कर रहा हूँ तुम्हें असगर का वास्ता जब तक मैं न कहूँ झोला लाना मुझे सजा कर देसान की तक छबी पाक दे कौन रहा कर तेरी बड़ी मेहरबानी मेरे देसान बेशक जाने चला जा मैंने कोई इतराज नहीं बेशक चला जा तेरी बड़ी मेहरबानी मैं जब कहूँगा बेटा
तब शबी लाना। तुम्हें गाजी का वास्ता असगर का वास्ता जल्दी नहीं करना। जिंदगी का कोई पता नहीं किस मोड़ पे खत्म हो जाए। अल्लाह जाने कल मैं हूँ या नहीं, अल्लाह जाने कल तू है या नहीं। आखिरी मकान रल के देवी रबाब हूँ। अल्लाह हो अकबर, अल्लाह हो अकबर। तस्सी भेड़ असगर दी फिर दी वदीए विच मजवे दे। और कोई मेनू हंजू दियो मेरा फिरा मरण वाले। और कोई मेनू पानी दियो, और कोई मेनू हंज दी खैरात दियो, और कोई मेनू हंजुआ दी सबील कराओ। और मेरा 6 महीने का विराम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। रबाब ने असगर तैयार किया। बाबा सजाद शाह तुम्हें मेरे तो नहीं पूछे अभी शौकत के पे पढ़ने, जिस खेमे में पानी नहीं है बच्चा कैसे तैयार होता है। अली की अमीर बहू रोई, आंसुओं से असगर का मुंह धोया। असगर का मुंह धो के हुसैन की झोली में रखा। हुसैन ने कहा रबाब तेरी बड़ी मेहरबानी, अभी बोलता भी नहीं और तूने मेरे हवाले कर दिया है। रबाब ने कहा बादशाह तेरी बड़ी मेहरबानी, बाकी माओ के चल के गए, मेरा जलने के काबिल नहीं। बाकी मामा दे तुर के गए ना, मेरा जा तुर ही नहीं सकता, और मेरा जा बोल ही नहीं बोल सकता। और सच्ची माँ का बछड़ा तेरी मेहरबानी, और गरीब का पुत्र तेरी मेहर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। के हाल हो गया, रो 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 के मेरे पुत्रा का के हाल हो गया। सच साम हो गया, कुरान की कसम कर भी सकते हो गए। मैं कहता पे ना उन्हें शाम हालत बेहता पे अपराध साझा माना दिया दरान भी। कुरान की कसम रो रो के बुरी हालत हो गई है। मेरा ही दिल है, मैं एक जुमला हो रखा के पता जिंदगी का। रबाब ने असगर को तैयार करके हुसैन की झोली में रखा, सकीना को तैयार करके ज़ैनब आलिया की झोली में रखे, फिजा का हाथ पकड़ के कहा ओ अम्मा अब हम करीजों वाले खेमे में चले। ओ अम्मा हमारा सैयदों से रिश्ता ही खत्म हो गया। ओ बेटा हुसैन को दे दिया, ओ बेटी ज़ैनब मातम मातम जड़े कर लेंगे हो तो असगर का वास्ता। सकीना दी कसम ने एक बारी हर बंदा हाथ मारे। अम्मा बेटा हुसैन को दे दिया, बेटी ज़ैनब को, आओ अब हम कलीजों वाले। ओ मैं सदके या ज़हरा हालो, हाय गरीबी हाय परदेसी। ना मेरे धिया तुम अकबर असगर का वास्ता, मेरी धियां नहीं उठना। बह जा मेरी बच्ची तेन असगर का वास्ता। अल्लाह अकबर। हुसैन ने बेटा सीने से लगाए। तुहाडे हिस्से का मसाइब मुक गया ने, तो सर वो पीर तो तुहाडी मेहरबानी हो जी भाई, आ ना रोवे तो कोई गिला नहीं। तुहाडे हिस्से का मसाइब मुक गया, 3 या 4 मिनट जिन्हें शबी चावनी तैयारी करो, 3 या 4 मिनट इन्हें धियां के हिस्से का मसाइब। रबाब ने बेटा तैयार किया, तैयार करके हुसैन की झोली में रखा। हुसैन सीने से लगा के जाने लगे, हुसैन सीने से लगा के जाने लगे। रबाब ने कहा करीम का बेटा जहाँ इतना गर्म किया है, एक एहसान और कर, असगर को यूं ना उठा यूं। हुसैन ने कहा रबाब बड़ी गर्मी है, सूरज सवा नेज़े पे है, 96 घंटे का प्यासा बच्चा है, बाहर रेत तप रही है, मैं असगर को यूं क्यों उठावा। मेरी अधियां और तो मैं हुक्म कर देना पे कोई असगर दी कलील ऐसी ना वे लड़ी मातम ना करे। रबाब ने कहा तू बाप है ना, करीम मैं माँ हूं ना, असगर को यूं उठा जब तक मैदान जाएगा, मैं खेमे के दरवाजे से देखती रहूंगी। अल्लाह जाने फिर कब मिले, अल्लाह जाने फिर मुलाकात हो ना हो, चलो मैं आखिरी बार जी भर के। या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा। मुक गई 2 मिनट और कलील, मुक गए और रो के, मुक गए और रो के, आखिर मुक गए ना। माधी सामने बैठा ब्याह दे सारे तो हाँ जी मुक गई है, रो रो के बुरा हाल हो गया। एक मिनट और पढ़ा दे असगर का वास्ते ही।
मौके ही मेरी माइलेस। हुसैन ने बच्चे को यहाँ रखा, हुसैन खेमे से निकलने लगे, तब आपने फिर आवाज दी, बतूल का बेटा एक एहसान और कर, मुझे असगर से बात करने दे। हुसैन रुक गए, माँ ने बेटे के कान पे मुंह रख के कोई जुमला कहा, तेरा की ख्याल है जाकिर शेर नहीं होता, जाकिर के अंदर गोश नहीं होता, और तू आप जरों में आते में ना पढ़ा आती वीर वत होर हौसने जुमले का मैंने पढ़ना पै गया। हुसैन बच्चे को मैदान ले आए, हाथों में बुलंद करके फरमाते, कूफियो शामियो तुम्हारी कोई लड़ाई है तो मेरे को, ये 6 महीने का बच्चा है, 96 घंटे का प्यासा है, इसे एक घूंट पानी दे दो, एक घूंट पानी पीरा पिछा आज तक मेहनत पे करे ना, मैंने दस तो सही, ये 6 महीने का बच्चा प्याले में पानी पीता, ये 6 महीने का बच्चा गिलास में वो बैठी है माए, उनसे पूछो प्याले में 2 उंगलियां धोती हैं, बच्चे के हलक में 2 कतरे जाते हैं, बच्चे की प्यास बुझ जाती है, क्योंकि जान किया जो थके रो के, यार 6 महीने का बच्चा था, 96 घंटे का प्यासा था, दरियाओं की मालकिन का पोता था, दरिया का किनारा था, हुसैन कह रहा था एक घूंट पानी, जहरा का लाल प्यासा गरीब बेकफन मजलूम, कह रहा था एक घूंट पानी, या जहरा ना 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 वादे सन, तू मर जा तू मर जा, मैं मर जा मैं मर जा, असगर दी जुत्ती दा मोल नहीं, कोई मां तुम्हें मर जाए, असगर नूं रोंदिया 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 कोई मर जाए, असगर दी जुत्ती दा वजन नहीं माती, मैंने कुरान दा वास्ते 1 मिनट 1.5 मिनट मैनू होर पढ़न दे, इतने साल ने कहा हुसैन प्यास तुझे लगी है, बस कर छोड़ दे मां, इतने साल ने कहा प्यास तुझे लगी है, छोड़ दे मां, ओ जवानो करते हो मातम, पढ़ा नाम बच्चे का लेता है, बच्चा कहे तो हम देंगे, असगर के कान पे मुंह रख के फरमाते हुज्जत तमाम कर, ये देंगे नहीं, इन्होंने मेरे बाप के गले में रस्सी डाल के मदीने की गलियों में फिराया है, हक नहीं दिया, इन्होंने मेरी माँ को दरवाजे पे आके मारा है, हक नहीं दिया, इन्होंने मेरे हसन के जनाजे पे तीरों की बारिश बाहर चला जाए, चाहे हम हाथ नहीं मारे बाहर चला जाए, इन्होंने मेरे हसन के जनाजे पे तीरों की बारिश की है, कब्र की जगह नहीं थी, इन्होंने मेरे अकबर को सीने में बर्छी मारी है, एक घूंट पानी नहीं दिया, या जहरा या जहरा या जहरा या जहरा, ओ असगर दी अमड़ी आवेख तेरिया कलीदा, तेरे पुत्र दे नाकार हंजुआ दे प्याले जाके, तेरे असगर दी दसवा, या जहरा या जहरा या जहरा, हाँ भाई वाजत की करा, आप तादा में मसाय पढ़ हूँ, मेरे पैर फल ले ली, अल्लाह अकबर, चल 1 मिनट और पढ़ना भाई, मैं जिना जनाजा चाहना जिना शबी चाहनी है तैयारी करो, 1 मिनट में जा ज्यादा और पढ़ना, इब्ने साहब कहते हुसैन प्यास तुझे, नाम बच्चे का बच्चे से गए, लब हिले असगर के, गोगे शाह मैनू आम बड़ा लिया असगर दे जनाजे की कसम, मैं राती 1:09 तक कसरे बतूल जुमला आख्या, अज तो 9 साल पहले, सवेरे 4 बजे तक हस्पताल जो बंदे मरता औरतों को ढूंढे रहे, इतना बड़ा मातम आया, पूरे पिंडाल उठी के मातम कीता, शाला गलत समझ आ जाए, असगर के लब हिले, सूखी जुबान खोली असगर ने, बच्चा इतना प्यासा था, मुंह खोलता था तो बंद नहीं होता था, मुंह बंद करता था तो खुलता नहीं था, शदीद गर्मी थी, असगर इतना प्यासा था, मुंह बंद करता था, पता इनू एदा हाथ पकड़ी भाई, एदा हाथ पकड़ी भाई, ओ गर्मी लाठी एदा हाथ पकड़ी भाई, बच्चा इतना प्यासा था, बच्चा इतना, चलो भाई उठाओ जनाजा, उठा लो झूला, उठा लो झूला, उठा लो झूला, मजलिस में हूं मुकेंदा पे सफीर, नाराज ना हुई ले आओ झूला, एक एहसान करे है, असगर के झूले की जियारत करना, धक्के ना मारना, बड़ा प्यासा है, बड़ा जख्मी है।
का झूला ले आओ, सकीना के भाई का जनाजा ले आओ, 96 घंटे के प्यासे की मैया ले आओ, असगर का झूला ले आओ, सगीर का जनाजा। एक बारी सारे जनाजे और मुंह करो, मुंह करके आखो रबाब, ओ तेरे बच्चे का अरमान है सकीना। सस के पिया आंदी कोई नहीं मननी, ओ बिच करबल दे ओ भावे लख